कथा उस समय के बाद जब राजा उग्रसेन के बेटा कंस अपना बहिन देवकी के विवाह वासुदेव जी से करके बड़ी धूमधाम से विदाई करत रहे, वही समय आसमान से आकाशवाणी भई कि अरे कंस, जिस बहन को इतना श्रद्धा पूर्वक स्नेह प्यार से विदाई कर रहे हो, उसी बहन देवकी का आठवां संतान तेरे मौत का कारण बनेगा। आतना जब कंस सुनलक तो सुनी अपना बाहुन आ बहिन के साथ का कलक। कंस वासुदेव जी के आ अपना बहिन देवकी के एक ना सुनलक, कारागार में बंद कर दिहलक। एकरा आगे सुनी रउरा सब। पहिलका लड़िका के मौत के बाद फिर समय बीते लागल, देवकी गर्भ धारण कके बच्चा जन्म दिहली। नहीं भैया, इसे मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। गर्भ धारण कैली, भादो के महीना में टिप टिप बारिश, आधी रात के सुनसान समय भगवान श्री कृष्ण के अवतार पर बोली भगवान कृष्ण कन्हैया की। लिहले जनमाए कान्हा खुले।
के नंद बाबा के घर पहुंच गई। यशोदा मैया के गोद में खेले लगनी, आए आगे सुनी सोहन से स्वागत। भविष्यवाणी कैलख आशा मानावा तो सत्य भइल बा जानावानु हो। भविष्यवाणी कैलख आशा मानावा तो सत्य भइल बा जानावानु हो। ललना मोहन लिहले मामा घर जना मावा जानावा में सोड भइल हो। ललना मोहन लिहले मामा घर जना मावा गह गह नंद के भवाना माया गनवा उठल सोहर हो। गह गह नंद के भवाना माया गनवा उठल सोहर हो। तो बाजे बीरज में घर घर बजाना बजा हनवा में सोर भइल हो। ललना मोहन लिहले मामा घर जाना मावा यशोदा लुटावेली कंगनावा सजनवा धेनु गैयानु हो। यशोदा लुटावेली कंगनावा सजनवा धेनु गैयानु हो। दगद गद भइल सब पुरोहित लोग के मानावा जहानावा में सोर भइल हो। ललना मोहन लिहले मामा घर जना मावा सोचल सजल सब कर सा पानावा सोने ही लिखले गानावानु हो। सोचल सजल सब कर सा पानावा सोने ही लिखले